नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानू एम टू जॉब रे स्वागत। तो फ्रेंड्स देखु आज वीडियो टी रही आम ओडिशा पुलिस अंडर रे आसुवा जेल वार्डन आपणकर जेल रे जो ग्रुप सी कनेस्टेबल निजुक्ति रही है तारी उपरे आज वीडियो टी रही। तो संपूर्ण भाव डिटेल्स जनइबी जे जेल वार्डन रे आपणकर कौन कौन रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी पूर्वर जहाँ भी थी एवं बर्तमान पैटर्न चेंज हो जाए जो अपकमिंग वैकेंसी आसीब जेल वार्डन रो तो से आपणकर कौन सिलेक्शन क्राइटेरिया रहिबो एलिजिबिलिटी कंडीशन कौन रहिबो प्रमोशन मध्य रही है पदवी में आप ग्रुप सी पदवी पर आपन के पोस्ट को आपन प्रमोशन हे तो संपूर्ण भाव डिटेल्स जनइबी वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिए। तो फ्रेंड्स देखो मु वर्तमान आमर ओडिशा गवर्नमेंट सिविल कनेस्टेबल जेकोसी भी वैकेंसी आसी ओडिशा गवर्नमेंट जेकोसी भी वैकेंसी आसी प्रथम आम ओडिशार ऑफिशियल वेबसाइट जहाँकि ओडिशा होम डिपार्टमेंट रे आसी थाए आपण मैंने बहुत जन स्टूडेंट डाउट रे थांती से ओएसपी हो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो जेल वार्डन हो फायरमैन हो आपणकर क्यों जगार आपण पीडीएफ टी डाउनलोड करती आपण मैंने मत क्वेश्चन करती। तो देखो फ्रेंड्स मुझक जनई दूसरी आप होम डिपार्टमेंट रही ऑफिशियल वेबसाइट लिंक आज वीडियो डिस्क्रिप्शन मुझे देदेवि आपंकर देखूँ क्यों डेट्रे आपर आसाला जेन वार्डन रोटिस जेन वार्डन रो नोटिस आसी आपंकर देखू एप्रिल 2022 दिन आसला तलू तलू जाऊँ देखूँ आपे डाउनलोड करेंगे मुझे वेबसाइट लिंक आज वीडियो डिस्क्रिप्शन देदेवि आप ओएसपी बा डिस्ट्रिक्ट पुलिस जगह पीडीएफ फाइल पाई। तो ये जगह देखते जमती कि ये रही आपणकर कौन रही देखु आपणकर 2 एप्रिल 2022 दिन आपणकर देखु वार्डर सर्विस रही जेल वार्डर सर्विस ये देखो पीडीएफ टी मुझे डाउनलोड कली आपको पीडीएफ टी दरकार तेल कौन करेंगे ना आज वीडियो डिस्क्रिप्शन विजिट करेंगे डिस्क्रिप्शन में एम टू जॉब यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप लिंक रही टेलीग्राम ग्रुप में आपड़ ये जेल वार्डन पीडीएफ फाइल टी आपड़ पाई। तो देखो आपंकर कौन कौन कंडीशन रही संपूर्ण भाव डिटेल्स जनईदेवि आपड़ी इंटरेस्टेड हे एलिजिबल हे वैकेंसी तेल आपति भाव में प्रिपेरेसन आरंभ करेंगे। तो देखो आपंकर ग्रुप सी पदवी रही कनेस्टेबल पदवी रही प्रथम जेल वार्डन रे आप निजुक्ति पाइबे जिते आपंकर प्रमोशन हम चीफ वार्डन पदवी में आपड़ जा प्रमोशन नहीं पारे। तो प्रमोशन केमी ने आपको जनइबि कितु बर्तमान जो ग्रुप सी जेल वार्डन पदवी में आप सिलेक्शन हे तार क्राइटेरिया मुझे जनईदे। तो देखो ये जगह प्रमोशन रही तो प्रथम जेल वार्डन आपंकर सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहा प्रथम रिटन एग्जाम हम 100 मार्क रपर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहाँकि आपंकर हाइट वेट चेस्ट मपा जीव क्वालिफाइंग नेचर रही। तो पूर्व कौन होता ना हाइट चेस्ट वेट रे आपंकर बोनस मार्क रोला किंतु एवं वर्तमान जस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर रही। थर्ड रे हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जहाँकि आपंकर किछटा फॉर्मेलिटी रही रनिंग एवं हाई जंप एपरिका रही लॉन्ग जंप रही हाई जंप ना तो क्वालिफाइंग नेचर रही। फोर्थ रे आपंकर मेडिकल टेस्ट हम तापर आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कि आपंकर सिलेक्शन करा जीवो। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन रही ना ये जगह देखो आपंकर 18 वर्ष रु कम हो नथिबा दरकार एवं 25 इयर्स रु अधिका हो नथिबा दरकार अर्थात आपणकर 18 रु 25 वर्ष होथिबा दरकार ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस पिला मानकर एवं 18 रु 30 वर्ष होथिबा दरकार एससी एसटी जेकोनिस वर्गर झियो पिला होवंतु ना काहेकि एवं एससीबीसी पिला मानकर 18 रु 30 वर्ष होथिबा दरकार। ध्यान दियंतु ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रे ओबीसी पिला मानकर एज रिलैक्सेशन नथाय केवल एससीबीसी पिला मानकर ही एज रिलैक्सेशन थाए ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रे। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी पिला मानकर 18 रु 25 वर्ष एज लिमिट रहिला एससी एसटी एससीबीसी एवं जेकोनसी वर्गर झियो पिला होवंतु ना काहेकि 18 रु 30 वर्ष रहिला एवं जेहेतु एहा एक डिफेंस जॉब सेतिपई एई पदवी रे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट माने एलिजिबल होई पारिबे नाही। एज कैलकुलेशन हबो 1-1 जेऊ वर्ष निजुक्ति आसुची सेई वर्ष को आपनकर एज कैलकुलेशन हबो। तो देखंतु आपनकर एई जगह रे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन रहिबो ना आपणकर प्लस टू रोचे आपड़ जदि आर्ट्स साइंस कॉमर्स रे थर्ड डिवीजन रखिकी भी जदि प्लस टू पास होती आपड़ एलिजिबल हो पारे। किसी जन स्टूडेंट था 10th पर प्लस टू न करी डिप्लोमा करती तेल डिप्लोमा पिला एलिजिबल हो पारे। ए जगह रही और अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन देखंतु जदि आपण प्लस टू न करी डिप्लोमा मध्य जदि करिसंती 3 वर्षिया कोर्स ताहले आपण एलिजिबल होई पारिबे किंतु आपण प्लस टू बा डिप्लोमा पास करथिले हबनी
ता सहित आपणकर एमई स्टैंडर्ड रे आपणकर उड़िया लैंग्वेज सब्जेक्ट मध्य थिबा दरकार आपणकर 10th क्लास 8th क्लास रे आपणकर उड़िया सब्जेक्ट जदि थिबो ताहले ही आपण एलिजिबल होई पारिबे अदरवाइज आपण एलिजिबल होई पारिबे नाही। तो देखंतु मु आपणको एज लिमिट कथा कहि देली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कथा कहि देली, एबे आपणकर मनरे आउ डाउट नथिबो। तापर फ्रेंड्स देखंतु आउ गोटे कथा कहि देउछि, जेमति कि मूलरु कहिली कि आपणकर पीडब्ल्यूडी बा आपण फिजिकल हैंडिकैप स्टूडेंट माने ए पदवी रे एलिजिबल होई पारिबेनी। तो देखंतु हाइट वेट चेस्ट कथा कहि दउची, ए जगह रे देखंतु मु कहिली ओबीसी पिला माने स्टेट गवर्नमेंट जॉब रे जनरल रे काउंट होंती, ओबीसी कोटा नथाय स्टेट गवर्नमेंट रे। तो देखंतु अनरिजर्व बा आपनकर जनरल एसीबीसी पो पिला मानकर हाइट 168 सेंटीमीटर हाइट होतिबा दरकार, वेट 55 केजी रो अधिका होतिबा दरकार, चेस्ट 79 मिनिमम थिबा दरकार, चेस्ट फुलेला परे 84 होतिबा दरकार। से पर के देखंतु जनरल एसीबीसी झीओ पिला मानकर 158 सेंटीमीटर हाइट होतिबा दरकार, 47.5 केजी वेट होतिबा दरकार। एससी एवं एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पुओ पिला मानकर 163 सेंटीमीटर हाइट होतिबा दरकार, 50 केजी वेट होतिबा दरकार, 76 सेंटीमीटर चेस्ट मिनिमम होतिबा दरकार, चेस्ट फुलेला परे 81 सेंटीमीटर होतिबा दरकार। से बेरके एससी एसटी झीओ पिला मानकर हाइट 153 सेंटीमीटर होतिबा दरकार, चेस्ट तांकर 45 केजी रु अधिका जदि होउछि ताले से माने एलिजिबल होई परिबे। तो फ्रेंड्स देखंतु एज कथा गला, एजुकेशन क्वालिफिकेशन गला, तापर आपनकर हाइट वेट चेस्ट कथा गला। तापर आपनकु मु जणै दउछि कोन कोन क्राइटेरिया रहउछि। ए जगह देखंतु होमगार्ड रे भी जे माने अछन्ति ना से माने भी मध्य एलिजिबल होई परिबे, किंतु होमगार्ड माने तांकर 3 वर्ष कंप्लीट करथिबा दरकार होमगार्ड रे। मु तो प्राय तो कहबी जेते भी होमगार्ड रे अछन्ति समस्त एलिजिबल होई परिबे, कहि कि ना लास्ट टाइम जेते 2015 रे बाहरी थिला, तो लास्ट टाइम 2015 रे ही बाहरी थिला, ता परे आउ बाहरी नै, तो तांकर ओबियसली 3 वर्ष होमगार्ड रे हेइ जाइथिबो। तो होमगार्ड मानकर एज रिलैक्सेशन रहउछि जहा कि 18 रु 30 वर्ष पर्यंत होमगार्ड माने एलिजिबल होई परिबे। तो देखंतु आपनकर एग्जाम पैटर्न कथा जदि कहबी, ए जगह रे प्रथमे रिटन एग्जाम जो हबो, रिटन एग्जाम आपनकर 100 मार्क रो रिटन एग्जाम हबो। तो से 100 मार्क रे जो रिटन एग्जाम हो तो क्यों टॉपिक रु क्वेश्चन आसीबो देखंतु। तो आपनकर देखंतु ओएमआर प्रणाली रे एग्जाम हो, सीबीटी एग्जाम हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहिबो। तो 100 मार्क क्वेश्चन 100 मार्क रे जो रिटन एग्जाम हो ता पई 120 मिनिट आपनकु समय मिलिबो, अर्थात 2 घंटा समय मिलिबो। क्वेश्चन आपनकर आसीबो इंग्लिश लैंग्वेज, ओडिया लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, कंप्यूटर फंडामेंटल एवं आईटी स्किल रु क्वेश्चन आसीबो। एबे आपण माने भाबुथिबे मैथ क्वाडे गला, रीजनिंग क्वाडे गला, तो देखंतु जनरल स्टडीज जो सब्जेक्ट रहिला ना, जनरल स्टडीज भीतर ही आपणकर जीके भी आसे, रीजनिंग भी आसे, मैथ भी आसे। तो एबे आपणकर डाउट क्लियर हला। तापर जो 100 मार्क रो रिटन एग्जाम हबो, 100 क्वेश्चन रहिबो, सेथिरे आपणकर नेगेटिव मार्किंग मध्ये रहिबो जहा कि 0.25 ईच क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग अर्थात कौन, जदि आपण कोनोसी क्वेश्चन टी को अटेंड करूछंती आउ से क्वेश्चन टी आपनकर भूल बाहरुची, ताले आपनकर से जगह नेगेटिव मार्किंग हबो 0.25। आपन चारोटी क्वेश्चन भूल कले 1 मार्क आपनकर माइनस करा जिवो। बहुत जन स्टूडेंट पचारंती जे नेगेटिव मार्किंग माने कोन, सेतिपई मु आपनकु जणै देली। तापर देखंतु ए जगह आपनकर सिलेबस मध्य देछि, प्लस 2 स्टैंडर्ड रही आपनकर क्वेश्चन आसीबो। ए जगह देखंतु ओडिया लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, तापर जनरल स्टडीज, एपरिक आपनकर रहिछि। आपन कोन करिवे ना पीडीएफ कलेक्शन करिकि आपन सिलेबस मध्य खातारे नोट डाउन करदे। तो मुझे गोटे पर गोटे जदि कह भिडियोटी बहुत लंबा हो। तो फ्रेंड्स देखो आप जो रिटन क्वालिफाई कले गोटे इनिशियल कटअप बनब, रिटन जो मैंने क्वालिफाई करेंगे तर हाइट वेट चेस्ट मपा जाव। हाइट वेट चेस्ट जदि आप क्वालिफाई करदेपर आप पीटी जहाँ कि फिजिकाल एफिसीयसी टेस्ट देवाई आसवे, जो थी कि आपंकर रनिंग हम और लंग जंप रि देखूँ आपंकर 1600 मीटर रनिंग हम पुओ पिला कथा कहूँ, जेनराल एससी एसटी ओबीसी एससीबीसी ईडब्ल्यू सब वर्ग पिला कथा कहे 1600 मीटर रनिंग हम आपन को गोटे चान्स 7 मिनिट भितर आपन को क्वालिफाई करने पड़ो। जदि 7 मिनिट रु टे भी समय अधिका नहीं जाऊँगी आप अजोग्य बेचित होते जहाँ कि डिस्क्वालीफाई आपन को कर दिजर। आप 1600 मीटर क्वालिफाई कलापर आप कौन अच्छी ताक जनईबी। तो से परीक्षा झील पिला 1 किलोमीटर रनिंग हम जहाँ कि 9 मिनिट समय मिल 9 मिनिट भितर आपन को क्वालिफाई करने पड़ो। तापर रनिंग क्वालिफाई कर सारापर उभय पुओ और झील ब्रॉड जंप रहुची, ब्रॉड जंप जहाँ कि लॉन्ग जंप अटे,
आपणकर क्वालिफाइंग नेचर रोचे तीनोटी चान्स मिल रनिंग रे जमी गोटे चान्स मिलूँ से परिका आपणकर ब्रड जंप जहाँकि लंग जंप्रे तीनोटी चान्स मिल प्रथम आपड़ डेईबे जदि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते सेकेंड में पुणी डेईबे यपरिका आपको तीनोटी चान्स मिल तीनोटी चान्स भितर आपको क्लीयर कर कौन सी भी मार्क ना जे आप फास्ट आटेम्रे क्लीयर करदे आपको दुई मार्क एक्सट्रा बोनस मिल तो केवल क्वालिफाइंग नेचर रही पुओ पिला 3.66 मीटर रही झील पिला 2.75 मीटर आपणकर लंग जंप रहा फ्रेंड्स देखो आपंकर एनसीसी सर्टिफिकेट रे बोनस मार्क रही एनसीसी ए सर्टिफिकेट रे कोनोसी भी मार्क ना एनसीसी बी सर्टिफिकेट थिले आपणकर एक मार्क बोनस मार्क एनसीसी सी सर्टिफिकेट थिले दुई मार्क आपणकर बोनस मार्क रहा देखो आपणकर एति गला मेडिकल टेस्ट हो मेडिकल टेस्ट कौन कौन हुए आउपर गोटे इंडिविजुआल वीडियो मुझे अपलोड कर जदि से भिडियोटी देखापी चाहते तेल आज भिडियो डिस्क्रिप्शन जाइए भिडियोटी देखीदे आपर मेडिकल कौन कौन सब कराए फ्रेंड्स आपत मेडिकल क्लीयर करदे आपर गोटे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप क्लीयर हो जाए आपर घर को जॉइनिंग लेटर आसर ट्रेनिंग आपंक डाके फ्रेंड्स देखो आप पदवीर जब जॉब टी कर कनेस्टेबल आपणकर जेल वार्डन पदवीर जब आप सिलेक्शन हो जाए कंटिन्यू जॉब करुँचर आप प्रमोशन क्यों पदवी को हम ना चीफ वार्डन को आपंकर प्रमोशन हम आप तो जेल वार्डन कनेस्टेबल जेल वार्डन पदवी में थे जी आप प्रमोशन चाहते तेल चीफ वार्डन आप प्रमोशन पाई केमी पाइबे ना सैलरी बढ़ो आप वर्ष आपड़ जी जेल वार्डन कनेस्टेबल जी आप रोचार पांच वर्ष जॉब करुँच वर्ष पर आपंकर गोटे ट्रेनिंग हम से आपंकर एग्जाम हम तापर जब आप क्वालिफाई ताहले आपने चीफ वार्डन पदवी को जिबे जहाँकि देखंतु पांच वर्ष पर आपंकर जो चीफ वार्डन पदवी रे आपन जो एलिजिबल हो पारे जमीक देखू एबर वैकेंसी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन रही प्लस टू बा डिप्लोमा से प्रकार चीफ वार्डन पदवी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन रोचे आपड़ जेल वार्डन रे सिलेक्शन हो कि पांच वर्ष जब जॉब करुँच एलिजिबल हो पारे से एलिजिबल जो हे से आपंकर रिटिन एग्जाम हम जहाँकि 50 मार्क गोटे घंटा 30 मिनिट समय मिल देखु 50 मार्क गोटे घंटा 30 मिनिट 90 मिनिट समय मिल जदि आप रिटिन क्वालिफाई करदे केवल 1600 मीटर रनिंग हम जहाँकि आपंकर पुओ पिला 8 मिनिट समय मिल झील पिला गोटे किलोमीटर रनिंग हम 10 मिनिट आपको समय मिल जी एटा को क्वालिफाई करदे मेडिकल कौन से हम ना बास आपकी क्वालिफाई करदे आप चीफ वार्डन पदवी को आप सिलेक्शन हो जाए तो फ्रेंड्स देखो खूब शीघ्र आपको जेल वार्डन पदवीर निजुक्ति आपको देखापी मिल जहाँकि नवेम्बर डिसेंबर रे ही आपनकु जेल वार्डन रो नियुक्ति आपन मानकु देखिया पई मिलिबो तो आपण आज ठारु प्रिपेरेशन आरंभ कर दिवत जदि आप जेल वार्डन रे एलिजिबल होती इंटरेस्टेड होती जेल वार्डन रो काम कौन ना आपणकर जो आप जानते डिस्ट्रिक्ट मानक जो जेल थाए से जेल रे ही आपणकर केवल पोस्टिंग रहिबो जेल बाहर आपणकर ड्यूटी रहिबोनी आराम रे जेल भितर ही आप ड्यूटी करेंगे तो फ्रेंड्स देखु जहाँ भी क्राइटेरिया थिला ताहा तो मुझे आपको जनईदेली तथापि जदि ये जेल वार्डन पदवी को लेकिन ये वैकेंसी को लेकिन जदि कौन भी डाउट रोचे तेल कमेंट बक्स में विजिट कर कमेंट करें आप जदि एलिजिबल होती पदवी में इंटरेस्टेड होती आज ठारूँ कह प्रिपेरेसन आरंभ कर दिंतु और बेस्ट बुक कौन रहा मुझ खूब शीघ्र आपई भिडियो नहीं आसवी और सिलेबस तो मैं सिलेबस जो रहा ये पीडीएफ्रे तो दि जाइए टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करके सिलेबस कलेक्शन करदे खातार नोट डाउन करदे सिलेबस प्रिपेरेसन आरंभ करदे तो फ्रेंड्स आज ये अपडेट रही धन्यवाद थैंक यू ऑल द बेस्ट।